दिल्ली का दलित वोटर एक आंकड़े के मुताबिक 6 महीने पहले जो चुनाव हुआ उसमें उसका रुझान बीजेपी की तरफ ज्यादा देखा गया, इसका क्या कारण आप मानते हैं? इसका कारण है सर, मैं पत्रकार महोदय आपको बता दूं कि इसका कारण मेन कारण यह रहा है कि फ्री की जो रेवड़ी है ना, जो फ्री की रेवड़ी का जो इसने जो एजेंडा चलाया था केजरीवाल सरकार ने, उसके बाद भ्रमित करके एससी एसटी वोट को, देखिए जितने पूरे भारत में एसटी का वोट उठा लो या एससी का उठा लो, जो फ्री की रेवड़ी के चक्कर में इन्होंने एससी को फ्री का पानी, फ्री की बिजली, फ्री के बस, तो महिलाओं को वहाँ लुभाया, फ्री की शराब एक बोतल के साथ में 3 बोतल कहाँ का, ये पूरे समाज को एससी समाज को, क्योंकि जितने भी ठेके जो खोले जा रहे हैं सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो स्टेट सरकार हो, टोटल का टोटल एससी बस्तियों में ठेके खोले जा रहे हैं कि इनकी युवा पीढ़ी को बर्बाद करो और महिलाओं को फ्री की रेवड़ी ये बस में किराया दे करके इनकी वोट लो। कोई आदमी ये नहीं कहता अच्छा ये सिस्टम वो चल रहा है कि ग्राउंड के अंदर बॉल खेली जा रही है, इधर से बॉल मारी उधर, उधर से बॉल मारी इधर, तो कभी बॉल जाती है बीजेपी के पाले में, अब कभी बॉल जाती है कांग्रेस के पाले में, अब वो इन दोनों के पाले अब तो खत्म होने वाले, अब वो तीसरा हमारे माननीय साहब काशीराम जी कहते एक सापनाथ एक नागनाथ, अरे उनके एक सपोलानाथ भी पैदा हुआ हमारे लिए एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए, जिसने पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया है, पूरी दिल्ली की स्थिति देख लो, पूरी दिल्ली का सत्यानाश मार दिया है केजरीवाल सरकार ने। ना तो बीजेपी समाज के लिए सोच रही, क्योंकि इनका एससी समाज का सिर्फ वोट तो चाहिए इनको, लेकिन इनके हक का अधिकार की बात कोई नहीं करेगा। हमारा एससी समाज ने कितने कांग्रेस पंजाब में सरकार बनाई, दिल्ली में सरकार बनाई, कितने एससी समाज के मंत्री बना रखे इन्होंने केजरीवाल ने, एक भी मंत्री नहीं हमारा। राजेंद्र बाल गौतम को उठाकर बाहर कर दिया, उधर संदीप वाल्मीकि को बाहर किया, कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा करके सीधा बाहर। कुलदीप कुमार को तो आगे किया, देखिए सर कुलदीप कुमार कल को कुलदीप कुमार को भी बाहर करेंगे 100%, मैं लिख के दे रहा हूँ इस बात को, कल को कुलदीप कुमार को बाहर किया जाएगा। लेकिन कुलदीप आज ठीक है, लेकिन हमारे भी जितने जो जनता में हमारे जो एससी एसटी ओबीसी के अंदर जितने भी नेता निकल कर रहे हैं, इनको ये भी सोचना है कि भाई आप सरकार को सपोर्ट करते हुए आपको अपने हक का अधिकार की लड़ाई भी लड़नी है। 131 सांसद 133 जो बैठे हैं मूर्ख बन के, बिल्कुल मूक दर्शक, कोई कहने को तैयार नहीं है, जितना मर्जी लात मारे जाओ, कितने एससी की एसटीओ पर कितनी दुर्गति हो रही है, मणिपुर पूरा फूंका जा रहा है, बंगाल में हुआ, दिल्ली में अभी हुआ, अंजलि कांड हुआ पिछले साल, आप तो सब जगह मैं देखता हूँ, राजीव जी आप जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बात उठाते भी हैं, लेकिन ये सरकार क्या करेगी जब आप जैसे पत्रकार को भी अगर बोलने नहीं दिया जाएगा? हम तो बोल रहे हैं यार, ऐसे मत बोलो, आप बोलते हैं नहीं, आप बोलते हैं, आपको भी मुझे पता है कि आपको भी रोका जाता है, लेकिन आप फिर भी बेबाक होकर आवाज उठाते हैं, कोई नहीं रोकता, लेकिन हमें बड़ा दुख होता है जब समाज की बहन बेटी के ऊपर अत्याचार होता है। ऐसे ही आता हूँ, वेलकम है आपका, आप यहाँ आए बहुत बड़ा वेलकम है, मैं हमेशा आता हूँ, पिछली बार भी आए, मैंने पिछली बार भी आप मेरे से कुछ लेके गए, मैंने जब भी आपको दिया कि सरकार हमारे हित की जब बात करेगी, देखिए हमारी अगर हमारा पिता, देखिए आप इतना बोल गए, हमारे सवाल मेरा छोटा सा सवाल था कि लोकसभा चुनाव में एक अध्ययन एक स्टडी के मुताबिक दलित यानी एससी वोटर्स ज्यादा बीजेपी की तरफ गए, वो उसका कारण क्या? उसका ये कारण था सर, इन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो केजरीवाल को वोट करो, अच्छा गठबंधन को वोट करो, अच्छा वहां ये नहीं कहा किसी ने भी कि इन तीनों को हराना था बीएसपी को वोट करो, कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि भाई तुम्हारी बीएसपी एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, हमारी सिर्फ अगर सम्मान स्वाभिमान की रक्षा अगर कर सकती है वो सिर्फ बीएसपी, बाकी ना तो कांग्रेस कर सकती ना बीजेपी कर सकती ना आम आदमी पार्टी कर सकती, यहाँ तक कि अखिलेश हमारी बहुजन की समाज पार्टी अखिलेश की समाजवादी पार्टी वो भी हमारे हक अधिकार की बात नहीं करती। बीएसपी आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि एक समय कितनी ताकतवर पार्टी थी, बिल्कुल आज बीएसपी का ये हाल जब लोकसभा में उसका एक एमपी नहीं है, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक विधायक है, अभी बाय इलेक्शन हुआ तो उनसे ज्यादा वोट चंद्रशेखर पार्टी को मिल गया, चंद्रशेखर उनका उनकी बहुत ताकतवर सीट से चंद्रशेखर ने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली और उनका उम्मीदवार जमानत नहीं बचा पाया। आपको लगता नहीं कि बीएसपी को क्या हो गया? मैं चूंकि बीएसपी का पूरा राइज मैंने देखा है 30 साल से, मैं उसको देखता हूँ, मैं खुद नहीं समझ पाता कि बीएसपी के साथ क्या हो गया, जबकि जमीन पर गांव में वोटरों में मैं जाता हूँ वो कहते हैं हम उसी तरह बीएसपी के साथ हैं,
तो हुआ क्या बीएसपी के साथ? सर ये ऐसा है, इसका नहीं नहीं उसका जिम्मेदार मीडिया है। मीडिया तो मीडिया को की गई है सर, एक मिनट। नहीं मीडिया को तो हम बाद में कहेंगे, पहले हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं। कुछ कहते हैं कि कुछ लोहा खोटा कुछ लोहार खोटा, कुछ तो वोटर ने अपना दिमाग इधर कराई, लेकिन जो पदाधिकारी हैं बीएसपी में उनको भी ईमानदारी के साथ नैतिकतावान होकर के बिल्कुल बलिदान के साथ में अपना काम करना पड़ेगा। जब तक तो जैसे वोटर अपने ईमानदारी से वोट करता है ना कि ये बीएसपी हमारी पार्टी है, ऐसी जो पदाधिकारी हैं या बहन जी को भी, बहन जी के नेतृत्व, क्योंकि बहन जी को हम अपना आइडियल नेता मानते हैं अपने समाज का, बहुजन समाज का, तो बहन जी को भी ये चीज सोचनी पड़ेगी कि जब समाज मेरे साथ है तो मुझे इधर उधर नहीं भागना है। क्या बोल रहे हैं आप वॉलंटियर साहब? मैं ये बोल रही हूँ, लोकतंत्र की तो हत्या पहले ही कर दी ईवीएम के थ्रू, तो आप कैसे कह सकते हो कि जी बीएसपी का जनाधार? इसी ईवीएम से बहन जी आई थी 200 से ज्यादा सीट लेकर के, तब ईवीएम सही थी? जब ईवीएम पे आज जनता का विश्वास नहीं है तो आज हटाना भी तो चाहिए, बैलेट पेपर से लेके क्यों नहीं आ रहे हैं? जब उन्हें ये पता है कि भाई पूरा देश मुझे चाहता है, ठीक है ना, तो इसको चाहता है मोदी जी को, जब पूरा देश चाहता है और उन्हें पूरा विश्वास है तो एक बार ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से करवा दें। अभी महाराष्ट्र में जो ना उन्होंने एक गांव के लोगों ने एक डेमो करके देखा, तो वहां पे आपने कर्फ्यू लगा दी, क्यों लगा दी कर्फ्यू? आप लोकतंत्र की हत्या करके आप सर्वे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है? हत्या हो रही है, यहाँ चुनाव हो रहा है, चुनाव से वोट मिल रहा है, जीत रहे। झारखंड में कैसे जीत गए? बिल्कुल नहीं, झारखंड में कैसे जीत गए हेमंत सोरेन? आपने आपने एक वो देखा था, एक चुनाव हुआ था जो चुनाव, हेमंत सोरेन कैसे जीते? मेरी बात सुनिए। नहीं मेरी बात सुनिए जी, हेमंत सोरेन कैसे जीते? हेमंत सोरेन अभी तो उसी से जीते हैं, हम उसकी वो नहीं कर रहे हम तो। अरविंद केजरीवाल 62 सीट 67 सीट कैसे पाए? उससे जो ना केजरीवाल की बात तो ना करें, केजरीवाल नया नाम रख दे। हाँ जी केजरीवाल रखते हैं, लाला है वो, तो उसने जो ना सारे समाज का जो है उसने, अब बस से चलती है? किससे? बस से। अब क्यों, हम तो बस से भी चलते हैं, मेट्रो से भी चलते हैं, ऑटो से भी चलते हैं, किराया लेती है, चलते हैं, टिकट लेती है बस में? नहीं हम टिकट क्यों लेंगे, जो मेट्रो से चल रहे तो हमारा तो आना जाना मेट्रो से है। आप मेट्रो का टिकट खत्म करवाओ ना तब मानेंगे, बस का तो आपने करा दिया, मेट्रो का भी तो कराओ। टिकट बोलते क्यों नहीं, मेट्रो का खत्म कराएं आप। हाँ तो बताइए तो क्या दिल्ली के चुनाव में इस बार क्या होगा? देखिए दिल्ली के चुनाव हो या कहीं का भी चुनाव हो, चुनाव आयोग बिक चुका है, चुनाव आयोग तो ने तो अरे दिल्ली का बताओ ना, तो दिल्ली का मैंने तो सारी टिकटों की बात कह दी, मैंने तो ईवीएम की बात कह दी। दिल्ली में क्या बसपा सरकार आ जाएगी? अब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो दिल्ली में बीएसपी की सरकार बनेगी? आप परसेंटेज देखना कि एक बार बैलेट पेपर से टिके वो हो जाए वोटिंग, तो पता पड़ जाएगा कि जिस जो सत्ताधारी पार्टी है ना उसकी हालत कैसी हो जाएगी, उसकी जमानत जनता खुद जब्त कर देगी। हाँ जी सर आप बताएं कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से आया हूँ, भजन लाल मेरा नाम है, आपको न्यूज 24 शाम को 6 बजे रोजाना देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं तो हर जगह घूमते रहता हूँ, जहाँ जिस तरफ जो बात होती है, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, मैंने चाह चलते हैं जरा यहाँ आता रहता हूँ मैं जब कोई बड़ा फंक्शन होता है। ईमानदारी से सर न्यूज दिखाना भी शुरू करें, ईमानदारी से न्यूज दिखाना भी शुरू करें। ये नहीं कर सकते? नहीं देखिए मैं इनका नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ ईमानदारी से दिखाना शुरू करें, मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं कर इन पे कोई आरोप। अच्छा आप ही कह रही थी कि बीएसपी का नीचे जाना मीडिया का खेल? बिल्कुल मैं ही कह रही थी, क्योंकि जो ना बीएसपी के कैंडिडेट को आपको पता क्या है कि कोई जीत रहा है या हार रहा, आपने तो पहले उसे कह दिया कि शून्य है, शून्य है ना, जब शून्य दिमाग में लोगों के पहुंच जाएगा तो वो कहेंगे कि वो अपना वोट खराब करो दूसरे को दे दो। मीडिया वाले कहते हैं बसपा बिगाड़ेगी सपा का खेल, पर ये नहीं कहते कि सपा का सपा बिगाड़ेगी बसपा का खेल, ये नहीं कहते। मैं कह रहा हूँ मान्यवर साहब ने कहा था कि जब ये हाथी आगे बढ़ेगा बसपा आगे बढ़ेगी तो समाज मनी मीडिया और समाज में चमचे पैदा किए जाएंगे इस पार्टी को खत्म करने के लिए, और वही हो रहा है। मुख्य भूमिका मीडिया की, जब बहन जी ने पार्क बनाए नोएडा में और वहाँ पर, तो जो मनु मीडिया है उसने क्या दर्शाया कि समाज का पैसा जनता का पैसा पत्थरों में बहाया पत्थरों में बहाया, लेकिन आज मीडिया ये नहीं दिखा रहा कि उन पार्कों से कितनी कमाई हो रही है और कितनी सरकार को आमदनी हो रही है उससे, वो मीडिया नहीं दिखाएगा कभी, लेकिन ये दिखा देता है कि बहन जी ने जब समाज का पैसा पत्थरों में बहा दिया है, बांटने के अलावा कुछ नहीं समाज को और कुछ कहीं जाएंगे। बहन जी खेल बिगाड़ रही, अरे बहन जी खेल बिगाड़ रही, बहन जी का खेल बिगाड़ रहे अखिलेश यादव है? अच्छा जब संविधान लेके घूम रहे हैं, जब पिटता है अच्छी तरह कुटता है, तब क्यों नहीं जाते अखिलेश यादव, क्यों नहीं जाते राहुल गांधी, वर्गीकरण होता है क्यों नहीं बोलता कोई?
बहन जी के अलावा कोई बोला पर नहीं, ऐसा नहीं।